बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, लेक्चर नंबर 6 के साथ आज स्टार्ट लेते हैं। तो इससे पहले, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स को देख रहे हैं कि हमारे पास वो किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। तो हम मेन मेन सारी स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो आ रहे हैं जी, बेसिकली हम सेल स्केलेटन की तरफ आ रहे हैं कि साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या होता है, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है सेल की फंक्शंस के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स थी, उनको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी जी, हमारे पास गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके पास लाइसोसोम, आपके पास पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली आपके पास फंक्शनल जो होती हैं आपके पास ऑर्गेनेल्स वो हैं। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास, हम जिन ऑर्गेनेल्स को भी डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइटोस्केलेटन। तो आज हम जितनी स्ट्रक्चर्स हम जैसे कि कहा डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास रिलेट किससे करती हैं, बेसिकली वो हमारे पास रिलेट कर रही हैं सिंपल एंड सिंपल, आपके पास जितनी भी हमारे पास स्पोर्ट, आपके पास स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय साइटोस्केलेटन? तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड है दैट जो है, इसको अगर हम स्प्लिट करें दो हिस्सों में, एक होता है हमारे पास साइटो और दूसरा हमारे पास है दैट इज स्केलेटन। अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो साइटो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है जी आपके पास साइटोप्लाज्म को, ठीक है, और स्केलेटन आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है जी आपके पास फ्रेमवर्क को। मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वो फ्रेमवर्क है जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है जी कि आपके पास आपके साइटोस्केलेटन को सपोर्ट करना। स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा है कि ये मसल्स को सपोर्ट कर रहा है, जिसके ऊपर वो हमारे पास जो होते हैं बिल्डअप होते हैं और फिर हमारे पास प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। कोल्टजॉफ इन 1928, कोल्टजॉफ 1928 की बात है, जब कोल्टजॉफ हमारे पास एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे पास क्या किया, वो स्टडी कर रहे थे बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के दौरान उन्होंने क्या देखा जी कि हमारे पास देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फिब्रस नेटवर्क, वहां पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड सा फिब्रस नेटवर्क मौजूद है जो कि हमारे पास किसकी तरह है, स्केलेटन की तरह है, मगर वो मौजूद किसके अंदर है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद था। तो उन्होंने इससे हमारे पास जो है, हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी निकाली, उन्होंने इसको क्या कहा जी, हमारे पास इट इज साइटोस्केलेटन। अब की लेटर ऑन हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, कोहन, इन 1977 उन्होंने इस व्यूज को कंफर्म किया। किसके व्यूज को कंफर्म किया? कोल्टजॉफ के व्यूज को कंफर्म किया बाय हिज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज हम से और हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोपिक स्टडीज थी, इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है बेसिकली वो हमारे पास जो है ज्यादा मैग्निफिकेशन, ज्यादा रेजोल्यूशन पावर रखती है, और उसकी वजह से हमारे पास जो है ज्यादा बेटर तरीके से स्टडी की जा सकती है। According to Cohen, the cytoplasm of the eukaryotic cells contains a cytoskeleton network. उसने कहा जी कि आपके पास जो cytoplasm of the eukaryotic cell है, उस वो सारे का सारा जो उसके अंदर जो है एक cytoskeletal network मौजूद होता है, जो कि हमारे पास basically different types का है, एक type का नहीं है, different types का, जिसको हम अभी discuss करेंगे, majorly तीन types होती हैं। ठीक है, अब क्या है वो बेसिकली जो तीन टाइप्स हैं वो तीन तरह से बनी हुई होती हैं। पहली होती है जी माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे होती है माइक्रोफिलामेंट्स, और तीसरी होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इन तीनों के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंस रहेगा, ये तीनों एक दूसरे से हमारे पास डिफरेंट होंगी और ये तीनों एक दूसरे से हमारे पास डिफरेंट तरह की फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। अब क्या है, द मेन प्रोटीन्स, बेसिकली ये चीज जो है हमारे पास एक आपने याद रखनी है कि साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। साइटोस्केलेटन किससे बना हुआ है? मेजरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स है। उसके बाद हमारे पास अगर उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं इसकी, तो द मेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन आर ऑफ टू टाइप्स, द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स एंड द एक्टिन प्रोटीन्स। दो टाइप्स हैं आपके पास प्रोटीन की। ये हमारे पास अगर याद रखें तो आपके पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स होती हैं, तो आपके मसल्स के अंदर, उनके अंदर भी यही दो प्रोटीन्स होती हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स जो हैं कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी रखते हैं, और वो हमारे पास दो प्रोटीन्स कौन सी हैं, ट्यूबुलिन एंड एक्टिन। इसके अलावा हमारे पास मायोसिन भी मौजूद होती है, ट्रोपोमायोसिन भी मौजूद होती है, और वेरियस अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है आपके मसल सेल्स के अंदर भी मौजूद होती है। मगर आपने याद रखना है कि आपके पास ट्यूबुलिन जो होती है वो स्पेसिफिकली जो है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होती है। अब हम बात कर रहे थे कि सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स हैं दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेशल असेंबलीज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स।
सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, जो हमारे पास स्पेशल उनकी असेंबली होती है उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास बेसिकली क्या बना रही हैं, आपके पास सीलिया बना रही हैं, आपके पास फ्लेजेला बना रही हैं, आपके पास बेसल बॉडीज बना रही हैं, और आपके पास सेंट्रियोल्स बना रही हैं। ओके, अब ये चारों की चारों हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स करती क्या है बेसिकली, इनको हमारे पास फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो सीलिया जो है हमारे पास, आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, और ये हमारे पास जो है सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशंस में हमारे पास मूव कर रही होती हैं, ठीक है, और ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ द सेल में इन्वॉल्व होती है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल पेरिमिशियम है, जिसकी सेल के ऊपर ये नंबर ऑफ सीलिया मौजूद होते हैं। फ्लेजेला, आपके पास सिंगल लार्ज स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे पास बाइफ्लेजेलेटेड, आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसमें स्पर्म की एग्जाम्पल है, और ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, ये भी मूवमेंट कर रही होती हैं। बेसल बॉडीज की अगर बात करें तो दे आर इंपॉर्टेंटली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटिलिटी, आपके पास मोटिलिटी मूवमेंट, सेल साइकिल प्रोग्रेशन, आपके सेल साइकिल किस तरह से चलेगा, मॉर्फोजेनेसिस के आपके पास जो है स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी, और आपके पास सेंसेशन कि आपके पास सेंस को चीजों को सेंस करना, ये सारी चीजें आपके पास क्या है, किसका फंक्शन है आपके पास, ये काम है आपकी बेसल बॉडीज का। और सेंट्रियोल्स आपके पास आ जाती हैं चौथी स्ट्रक्चर, जिसका काम क्या होता है बेसिकली आपके पास, कि ये हमारे पास प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स के इन्वॉल्व है, मीन आपके पास क्रोमोसोम्स को अलाइन करना एट द मेटाफेज प्लेट ड्यूरिंग द मेटाफेज, और उसके बाद हमारे पास जो है उसको सेग्रीगेट करना टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो आपके पास क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं बेसिकली उनको हमारे पास स्प्लिट करना, ताकि वो हमारे पास क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों डॉटर सेल्स को। ये काम किसका, आपके सेंट्रियोल्स का। तो बात करते हैं हम साइटोस्केलेटन की, जैसे तो हमने इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी ड्यूरिंग द साइटोप्लाज्म, दैट इज साइक्लोसिस, ठीक है। साइक्लोसिस क्या है बेसिकली, कि साइक्लोसिस इज द एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें आपके पास क्या होता है कि आपका मीडियम जो है आपके पास स्ट्रीम कर रहा होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। द स्ट्रीमिंग ऑफ द मटेरियल्स इनसाइड द ऑर्गेनेल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज साइक्लोसिस, ठीक है, एंड उसको हम क्या क्या कह रहे हैं, साइक्लोसिस। और इसमें हमने उस टाइम पर डिस्कस किया था दो चीजें इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व है, एक आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है, और दूसरा आपके पास कौन इन्वॉल्व है, आपका साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व है। तो साइक्लोसिस क्या अमीबॉइड मूवमेंट्स, अमीबॉइड मूवमेंट्स क्या होती है, जिसमें आपका सेल जो है सूडोपोडिया यूज करता है, सूडोपोडियक मूवमेंट्स यूज करते हैं, और आपके पास जो है सूडोपोडियल आपके पास मूवमेंट होते हुए आपके पास क्या होता है, वो मूव करता है आगे। तो ये दोनों आपके पास प्रोसेसेस किसकी वजह से होते हैं, आपके माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होते हैं। हमने कहा था माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तीन तरह के साइटोस्केलेटन होते हैं, हम अभी उनको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास बेसिकली आपके साइक्लोसिस और अमीबॉइड मूवमेंट किसकी बेस पे है, आपके माइक्रोफिलामेंट्स की बेस पे। तो ये चीज आपके ईटअप प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकलती है कि साइक्लोसिस इज ड्यू टू साइटोस्केलेटन तो है ही है, इज ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स, अमीबॉइड मूवमेंट इज ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, वेयर एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप, ये आपके पास किसमें इन्वॉल्व है, आपके सेल की शेप को डिटरमिन करने में इन्वॉल्व है, एंड आर इन्वॉल्व इन द डिटरमिनेशन ऑफ सेल शेप और इंटीग्रेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स, और इंटीग्रेशन किसकी करती है, आपके सेलुलर कंपोनेंट्स की भी इंटीग्रेशन करती है, मीन आपके सेल्स के कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना इनसाइड किसी स्पेसिफिक पोजिशन पे रखना, इस सारे काम को क्या कहते हैं हम, सेल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जैसे साइटोस्केलेटन की, तो हमने क्या कहा था कि आपके पास जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, पहला आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दूसरे आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और तीसरा आपके पास आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ट्यूब को, कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है, दे आर लॉन्ग, लंबी लंबी होती हैं, अनब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच इनके अंदर कोई भी नहीं होगी, मीन कि ये एक ही पूरी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर ब्रांचेस नहीं होंगी, ठीक है। और इसके बाद सिलेंडर ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर, ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं वो हमारे पास मेजरली कौन सी होती हैं, आपके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं। अब ये ट्यूबुलिन बेसिकली आपके लिटरेचर से एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आपको, कि दो तरह की होती है, एक अल्फा ट्यूबुलिन होती है और एक बीटा ट्यूबुलिन होती है। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन आपके पास क्या है, स्पाइरल करिए, जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरे एरिया में कि एक लेयर आपके पास अल्फा ट्यूबुलिन की चल रही है, दूसरी लेयर आपके पास बीटा ट्यूबुलिन की चल रही है, और ये इसी तरह से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर में एक पूरी ट्यूब की फॉर्मेशन कर रही है।
ठीक है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज देयर रोल इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अब क्या होता है कि आपके स्टडी किया होगा जी सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रियोल से हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट्स की प्रोडक्शन होती है. वो जाके आपके जो है आपके सेंट्रोमेयर की रीजन पे आपके क्रोमोसोम के साथ बाइंड करते हैं और फिर उसको सेग्रीगेट करने में इन्वॉल्व होते हैं. तो ये आपके पास बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल होता है जो कि आपके पास स्पिंडल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और आपके पास सेल डिवीजन करवा रहे हैं. तो ये ट्यूब्स जाके आपके किसके ऊपर बाइंड करेंगी, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम के ऊपर. और आपके पास एराइज किससे होंगी, आपके पास आपके सेंट्रियोल से निकलेंगी और आपके पास सीधा जाएंगी किसकी तरफ, आपके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर. और उसकी जो हमारे पास क्या कर देंगी, आपके पास सेपरेशन आर जो प्रॉपर टर्म है दैट इज सेग्रीगेशन. सेकेंड जो हमारे पास आ जाती है दैट इज फिलामेंट. फिलामेंट हम किसको कहते हैं, फिलामेंट एक सीधी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. अब दीज आर कंसिडरेबली मोर थिन, ये पतली स्ट्रक्चर्स होती हैं. आपके पास माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं, दे आर थिक. वो क्या थी, हमने क्या पढ़ा था, आपके पास स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, हमारे पास वो थिक स्ट्रक्चर्स हैं देन एज कम्पेयर टू माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है. ये थिन है, ठीक है, मेड अप ऑफ स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेड अप ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन. ये आपके पास एक्टिन प्रोटीन है. एक्टिन प्रोटीन्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर रखती हैं. कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है. एंड उसके बाद क्या है, लिंक द इनर टू द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर इन्वॉल्व इन साइक्लोसिस. पहली किसमें इन्वॉल्व थी हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल्स की हमने बात की, तो वो किसमें इन्वॉल्व हैं आपके पास, वो इन्वॉल्व हैं जी आपके पास सिंपली एंड सिंपली आपके पास सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, कि आपके पास ड्यूरिंग सेल डिवीजन उनका प्रोसेस फंक्शन होता है. जबकि माइक्रोफिलामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन्स हैं तो ये हमारे पास किसमें इन्वॉल्व है, आपके जो है इन्वॉल्व है साइक्लोसिस में. साइक्लोसिस आपने अगेन से याद रखना है इज द स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, इज द स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म. अब इसके अंदर जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होती हैं, तो ये जस्ट लाइक डीएनए आपके स्पाइरल कर रहे होते हैं, इस तरह से ये मौजूद होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर घूमी हुई होती हैं. मगर क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, ये कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रही होती. थर्ड जो आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्म है दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दे हैव डायमीटर इन बिटवीन दोज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. इनका डायमीटर जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान का होता है. सबसे बड़ी कौन सी, लार्जेस्ट कौन सी है, हम बात करते हैं लार्ज स्मॉल, ठीक है, और इसको हम बात करते हैं इंटरमीडिएट या बिटवीन, ठीक है. अब लार्ज जो है सबसे पहले वो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्मॉलेस्ट जो हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और आपके पास इंटर जो हमारे पास आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाती हैं, जिसको हम IMF कह देते हैं. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो है इनका डायमीटर इन दोनों के दरमियान का होता है, ठीक है. अब क्या है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द सेल शेप. अब ये क्या करती है, आपके पास सेल शेप मेंटेन करने में इन्वॉल्व है. तो तीन चीजें हमारे पास पता चल गई हमें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, आपने जो याद रखना है ईटा प्रोस्पेक्टिव से, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी है, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट से बनकर बनी है, आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है इन दोनों का मिक्सचर और इन दोनों के दरमियान कनेक्शन का काम करती है. सबसे पहले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं. उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है. माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन द साइक्लोसिस, ठीक है, साइक्लोसिस के प्रोसेस में है और इन साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं. और लास्ट आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग ऑफ द सेल शेप. ये सेल की शेप को मेंटेन करती हैं. अब सेल शेप को मेंटेन करने की क्या जरूरत पड़ी, उसकी वजह यह है कि आपके पास जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर होती है सेल वॉल जो कि सेल शेप मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है. जबकि जो एनिमल सेल होता है उसकी उसके बाहर जो सेल वॉल नहीं होती तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना ज्यादा प्रेशर बियर नहीं कर पाती. तो उस चीज को हमारे पास मेंटेन कौन करता है, बेसिकली आपका साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपके पास क्या है, हम देखते हैं तो ओवरऑल जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी तरह से बनी हुई है. यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो आपने देखा ये वही स्पाइरल लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं. माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, मीन जस्ट लाइक अ रोप, ठीक है. और ये हमारे पास सेल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है. अब ये हमारे पास किसमें इन्वॉल्व है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास सेग्रीगेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व. जबकि हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट हैं ये क्योंकि मूव कर रही होती हैं तो ये साइक्लोसिस आपके पास करवाती रहेंगी और ये हमारे पास स्ट्रेट हेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आपने याद रखना. अब क्या है, ईटा प्रोस्पेक्टिव से हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं. तो ईटा प्रोस्पेक्टिव से पहली चीज
किसने डिस्कवर की, कब डिस्कवर की, उसको वेरीफाई किसने किया, ठीक है, कोहन ने 1977 उसको वेरीफाई किया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये तीन से चार चीजें आपको पहली पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं तो कितने टाइप्स की है? तीन टाइप्स की है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तीन तरह की आ गई आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेशल असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली से बनी है, और वो है जी सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स। आपको ये चीज, चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपने मेन चीजें याद रखी है, मेजर प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, इसमें अक्सर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता है, दैट इज ऑप्शन ई। तो आप देखो ये पता होना चाहिए जी कि ट्यूबुलिन भी है, एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, ट्रोपोमायोसिन भी है, ठीक है, ये सारी जो है आपके पास मौजूद है, और ये क्या बनाती है, सारी मिलकर आपके पास साइटोस्केलेटन बनाती है। साइक्लोसिस अमीबॉइड मूवमेंट किसकी वजह से है, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से है, ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ऑल ऑफ दीज आर नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से आपके पास साइक्लोसिस या अमीबॉइड मूवमेंट्स हो रही होती है। वेयर इज एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो हमारे पास डिटरमिनेशन ऑफ सेल शेप, वो चीज तो हम वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हैं, और ये असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल में इन्वॉल्व है। माइक्रोफिलामेंट्स, ये आपने इसमें मेजर चीज याद रखनी है, एक्टिन सबसे ज्यादा है और साइक्लोसिस में इन्वॉल्व है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये जो है कनेक्शन का काम करती हैं बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, और क्या करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली जो है हमारे पास ये सेल शेप को मेंटेन करने का काम करती हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव जो आपने याद रखना है। अब जैसे कि हमने बात की थी जी कि आपके पास जो माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं वो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये हमारे पास इन्वॉल्व हैं वेरियस सेल स्ट्रक्चर्स बनाने में। अब हम उन सेल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, हम बेसिकली सेंट्रियोल हम पढ़ेंगे, फ्लैजेला पढ़ेंगे, सीलिया पढ़ेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हम जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है जी कि सेंट्रियोल्स क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके हम डिस्कस करते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं जी, आपके पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं जो कि आपके पास 90 के एंगल पे एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल साइकिल, ठीक है, कि सेल के साइकिल के दौरान क्या करती हैं कि ये हमारे पास अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाती हैं। अब जब ये अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाती हैं तो ये क्या करती हैं, अनदर जो है हमारे पास सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन करती हैं, ताकि हमारे पास नेक्स्ट जो डॉटर सेल होगा उसको जो है हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स मीन टू नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स उसको मिल सके। समटाइम ये प्रोसेस आपके पास जीवन फेज में भी हो रहा होता है। अब उसके बाद क्या करती हैं, ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स की अराइज करती हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या करते हैं, जाके आपके पास किसको बाइंड करते हैं, आपके क्रोमोसोम्स को आपस में बाइंड करते हैं, और जब उनके साथ बाइंड होते हैं तो ये उनको क्या करते हैं, सेपरेट पोल्स की तरफ लेके आते हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ लेके आते हैं। अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सारे क्रोमोसोम्स आपके पास जो मौजूद थे वो हमारे पास किधर चले गए जी, ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, ठीक है। अब जब ये ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं तो आपके सारे सेल्स यहाँ पे आ गए हैं, क्रोमोसोम्स दूसरे के क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ गए हैं। अब क्या होता है, वहां से आपके पास जो है दोबारा से एक मेटाफेज का प्रोसेस या मियोसिस या कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीडेवलप हो जाती है, तो ये चीजें इनसाइड रह जाती है, और उसके बाद आपके पास क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी और आपके पास दोनों सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और आपके पास इस तरह से क्या होता है, सेग्रीगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो आपके पास आपको सेंट्रियोल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। अब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की, तो एनिमल सेल्स, सेल्स ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल मॉसेस, लिवर वर्ट्स एटसेट्रा, कंटेन टू सेंट्रियोल्स, ठीक है, लोकेटेड नियर द सर्फेस ऑफ न्यूक्लियस, लोकेटेड नियर द सर्फेस ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे हमने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो क्या थे, एनिमल सेल, सेल ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर प्लांट्स ओनली। तो मतलब क्या हुआ इसका, हायर प्लांट्स के अंदर आपके सेंट्रियोल्स एबसेंट होते हैं, आपके हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स एबसेंट होते हैं, बल्कि ओवरऑल आपके पास प्लांट्स के जो है हमारे पास सेंट्रियोल्स एबसेंट होते हैं, सिर्फ लोअर
जो हमारे पास क्लासिफाइड प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनमें भी दो एग्जांपल है, मॉसेस और लिवरवर्ट्स, ये आपको याद रखना है, इनके अंदर सिर्फ आपके पास सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, जो आपकी बुक की एग्जाम्पल है, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपके ईटा में भी यूज की जाती है। अब एनिमल सेल जो होते हैं वो हमारे सारे के सारे होंगे, उनके पास सेंट्रियोल्स होंगे, और ये सेंट्रियोल्स आपके पास कहाँ पे मौजूद होंगे, नियर द सर्फेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होंगे, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होंगे, ये नियर द सर्फेस ऑफ न्यूक्लियस हमेशा मौजूद रहेंगे। ताकि जब हमारे पास माइटोटिक फेस आए, ठीक है, सेल डिवीजन का फेस है, तो हमारे पास जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाए तो हम स्पिंडल जो है फाइबर्स की हमारे पास जो है क्या करना शुरू करते हैं, हम प्रोडक्शन शुरू करना शुरू करते हैं, और उन स्पिंडल फाइबर्स के अंदर क्या होता है, यही हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और ये जाके हमारे पास बाइंड करेंगे सेंट्रियोल्स के ऊपर, सेग्रीगेशन का प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल सेंट्रियोल्स का हम जब डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द स्मॉल हॉलो सिलेंडर्स, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर्स की फॉर्मेशन करती है, अबाउट 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, दिस इज माइक्रोमीटर, 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, दिस इज ऑल्सो माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर इन डायमीटर, दैट अकर्स इन पेयर, और ये क्या होता है, पेयर की फॉर्म में होते हैं हमेशा, ठीक है। इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अंदर क्या होती है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरे होता है, मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन रहा है जिसके अंदर क्या होती है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक अरे मौजूद होती है, ठीक है। अब हाउएवर ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड अप ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स, तो ये हमारे पास हर जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बनी हुई होती हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा देख बना के देखते हैं तो किस तरह से होगा, हमारे पास क्या है, ओवरऑल हम कह रहे हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो ये 9 है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल, मगर ये हर एक माइक्रोट्यूब्यूल अगर हम देखें तो ये 3 से मिलकर बनी हुई है, इस तरह से, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7th, 8th and 9th, तो ये हमारे पास सारी की सारी जो है तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। अब ये तीन तीन से मिलके क्या बना हुआ है, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल जो है, और अवर ईच हमारे पास जो ट्यूब बन रही है, जो हमारे पास है वो हमारे पास सिलेंडर जो बन रहे हैं, हमारे पास 9 सिलेंडर्स हैं, और 9 सिलेंडर्स के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल, ईच सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल, और 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो फर्दर कंपोज अप ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये चीज याद रखनी है आपने, द टू सेंट्रियोल्स आर जस्ट प्लेस्ड एट एन राइट एंगल टू ईच अदर, व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल, राइट एंगल होता है जी 90 का एंगल, दैट इज This one. मैंने आपके पास जब सेंट्रियोल्स ड्रॉ किए थे तो मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किए थे, दैट इज 90 एंगल, आपके पास ये 90 एंगल पे एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो मैंने आपको जैसे बताया था, कभी ये G1 फेज में भी हमारे पास डबल होते हैं, कभी ये हमारे पास G2 फेज में डबल होते हैं, तो जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, G2 फेज में हमारे पास ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन हो रही होती है, इट्स सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड वन पेयर माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, एंड वन पेयर माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, के ये हमारे पास माइग्रेट करता है टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, और दूसरा पेयर आपके पास वहीं पे रहता है। दीज स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रियोल्स एट एमटीओसी। अब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो होती है वो जो सेंट्रियोल्स होती है वो किसके होती है, एस एमटीओसी। एमटीओसी क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, कि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो होता है वहां से इसकी होती है, लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब आपने याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, एमटीओसी स्टैंड्स फॉर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। स्पिंडल फाइबर की अराइज की फॉर्मेशन कहां से होती है, आपके पास एमटीओसी से होती है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दे आर एबसेंट इन हायर प्लांट्स, जैसे कि ये चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो लोअर प्लांट्स के अंदर मौजूद है, सो दे आर एबसेंट इन द हायर प्लांट्स। सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करते हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फर्रोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो सेंट्रियोल्स हैं वो हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला, और इनका इंपॉर्टेंट रोल किसमें है, आपके पास सीलिया और फ्लेजेला बनाने में भी है। अब अगर हम बात करते हैं, दिस इज सेंट्रियोल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताई थी, हम देखते हैं हमारे पास, हमने क्या कहा था, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9,
अब हर एक के अंदर आपके पास तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो आपको अब चीज क्लियर होगी होगी कि आपके पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। अब यहाँ पे आपके पास ये दो आपके पास सेंट्रियोल्स हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली एट द एंगल ऑफ 90। इनके दरमियान कौन सा एंगल है आपके पास? 90 डिग्री का एंगल होता है। ये इस तरह से आपके पास मौजूद होते हैं एक दूसरे के, कि एक आपके पास इस तरह से मौजूद है और दूसरे आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर पर मौजूद होता है, ठीक है। दिस इज अ सेंट्रियोल पेयर, ठीक है ना। अब क्या है, दिस इज टर्म्ड एज ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि आपके एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर मौजूद हैं, और ओवरऑल 9 आपके पास एक जो हमारे पास कंप्लीट सिलेंडर होता है उसके अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही सेंट्रियोल्स हैं जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स को यूज करते हैं, और हमारे पास क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल। आप यहाँ पे देखें, दे आर अप्रोक्सीमेटली पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, और ये हमारे पास जो बाइंड किए हुए हैं इन्होंने आपके डिफरेंट क्रोमोसोम्स को और उनकी सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व। अब जो सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज सिलिया एंड फ्लैजेला। कि आपके पास सिलिया और फ्लैजेला होते हैं जिसको के अंदर हमारे पास ये इन्वॉल्व होते हैं आपके पास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में। सिलिया और फ्लैजेला को अगर देखा जाए, थ्रू सिलिया एंड फ्लैजेला आर द दो सिलिया एंड फ्लैजेला आर द सेम थिंग्स। दोनों का काम क्या है कि आपके पास मूवमेंट में इन्वॉल्व है, और हमारे पास दे वर गिवन डिफरेंट नेम बिफोर देयर स्ट्रक्चर्स वर स्टडी। अब हुआ क्या था कि आपके पास इनकी जो हमारे पास नेम्स हैं वो हमारे पास दोनों के हमारे पास जो है अलग अलग दिए गए, ऑन द बिकॉज उस टाइम पे इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी नहीं किया गया था। तो साइंटिस्ट ने देखा एक बहुत सारे हैं और छोटे छोटे हैं, तो उन्होंने कहा ये सीलिया है, और एक जो है बड़ा सारा है और लंबा सा है, तो हम एक ही है, तो हमारे पास उसको हमने क्या कह दिया, फ्लैजेला कह दिया। अब लेटर ऑन जब इनकी इंटरनल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की गई, तो ये चीज रिवील हुई जी कि इंटरनली ये दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों का सेम पैटर्न है। टिपिकली सेल पोजेसेस वन आर टू लॉन्ग फ्लैजेला, वेयर एज सिलियेटेड सेल्स हैव मेनी शॉर्ट सिलिया, जो चीज मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। फॉर एग्जांपल इन मैमेलियंस स्पर्मेटोजोन्स हैज अ सिंगल फ्लैजेला। आपके पास जो मैमल्स का आपके पास स्पर्म्स होते हैं उनका सिंगल फ्लैजेलम होता है, फ्लैजेला होता है। द यूनिसेलुलर सेलर ग्रीन एलजी जो होती है, क्लैडमेडोनास हैज टू फ्लैजेला, एंड द यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स परिमिशियम इज कवर्ड विद द फ्यू थाउजेंड सिलिया। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। उसकी वजह क्या है, आपसे ये एग्जांपल में पूछा जा सकता है जी मैमेलियन स्पर्मेटोजोआ हैज हाउ मेनी फ्लैजेला, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है क्लैडमेडोनास हैज हाउ मेनी फ्लैजेला, या फिर आपके से ग्रीन एलजी पूछा जा सकता है उसके अंदर कितने फ्लैजेला। तो आपको ये नंबर याद रखना है ईटा के प्रस्पेक्टिव से कि आपके पास ये चीज किस तरह से चलेगी। एंड दूसरी चीज आपके पास आ जाती है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स परमिशियम इज कवर्ड विद अ फ्यू थाउजेंड सीलिया, कि ये किससे के साथ कवर हुए होते हैं, फ्यू थाउजेंड सीलिया इसके ऊपर मौजूद होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे यहाँ पे जो जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्लैडमेडोनास एलजी, इनका पूछा जा सकता है कि इनके ऊपर कितने फ्लैजेलम होते हैं, और आपको नंबर दिया जाएगा 2, 4, 3 and 5 आर ऑल नन ऑफ दीज, तो या ऑल ऑफ दीज। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो अप्रोप्रिएट वही है कि दे हैव ओनली टू फ्लैजेलम। उसके बाद अगर हम बात करें सिलिया एंड फ्लैजेलर फ्लैजेलर बीटिंग इज करेक्टराइज्ड बाय द सीरीज ऑफ बैंड्स और जिनेटिंग एट तक, कि हमारे पास बैंड्स होते हैं उससे ये हमारे पास बेसिकली अराइज हो रहे होते हैं, और हमारे पास प्रोपोगेशन इनकी होती है टूवर्ड्स द टिप। प्रोपोगेशन क्या होते हैं, मूवमेंट, कि आपके पास सेल से जो मूवमेंट है वो हमारे पास फ्रॉम द सेल टू द टिप की तरफ हो रही होती है। वर्चुअली ऑल यूकेरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला आर रिमार्केबली सिमिलर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने बात की के इनकी स्ट्रक्चर से पहले ये डिफरेंट लग रहे थे, मगर जब स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शनल स्टडी की गई तो इनके अंदर जो हमारे पास जो है सिमिलरिटी हमारे पास मिली इनकी ऑर्गेनाइजेशन की। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। इसके अंदर क्या होती है, सेंट्रल बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम, इन विच 9 आउटर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 9 आउटर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसको सराउंड किया होता है, जैसे हमने सेंट्रियोल्स के केस में देखा था, ठीक है। सराउंडिंग अस सेंट्रल पेयर ऑफ द सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरनल सिंगलेट जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पेयर होता है, उसको हमारे पास 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है हमारे पास इन्होंने कवर किया होता है। मगर आपने याद रखना है जी, पोजेसिंग अ सेंट्रल बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो हमारे पास सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोनीम। द बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंप्राइजिंग द एक्सोनीम इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब होता क्या है जी,